सीहोर शहर की सड़कों पर अलग ही नजारा देखने को मिला। जब बड़ी संख्या में राफेल घोटाले के मामले में मार्च निकाल रहे कांग्रेसियों ने विरोध स्वरूप दोगधों को भी मार्च में शामिल किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने बड़ी मशक्कत के बाद दोगधों को लाकर सीएम शिवराज और पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर पहनाकर पैदल मार्च के आगे आगे करीब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हुए प्रमुखों मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने पुलिस का इंतजाम किया था। इस मौके पर थाना प्रभारी से कांग्रेसजनों की हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसको लेकर इछावर विधायक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। ओटीआई की माफी मांगने पर मामले का कटाक्षेप हो गया। कांग्रेस ने कहा कि राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितता को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस घोटाले की जांच से भाग रही है। राफेल सौदे में सरकारी प्रक्रियाओं की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। यह बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच होनी चाहिए। सीहोर से जावेद जाफरी की रिपोर्ट।